Hello, all lovelies. I just hope you all are doing well and enjoying your day. आज तो मेरा व्लॉग है मेरी आज के पूरे दिन के बारे में. सुबह उठी बहुत आराम से, काफ़ी देर से उठी. उठते साथ सबसे पहले लॉन्ड्री में कपड़े डाले. सबसे पहले काम तो मेरा ये होता है कि अपना बेड सेट करना है, क्योंकि मैं अपने रूम से बेडरूम से जब बाहर आती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मुझे वापस बार बार नहा जाना पड़े. इसलिए मैं अपना बेडरूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन छोड़ के आती हूँ. और फिर मैं किचन में आई, लॉन्ड्री में कपड़े डाले. किचन में मैंने अपने लिए आज सोचा था कि मैं अच्छा सा कुछ बना के खाऊँगी, इसलिए क्योंकि गुड हेल्थ इज़ वेल्थ. सो आई डिसाइडेड टू हैव गुड ब्रेकफास्ट. तो मैंने नाश्ते में अंडा ब्रेड बनाया, साथ में चाय रखी और फिर बस यही काम करती रही. और आज का दिन मेरा अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह. ये मेरी गरम गरम चाय और अंडा ब्रेड. उसके बाद मैंने ये शाम में कल थोड़े से चावल बना लिए थे. और मेरा कोई भी खाना चटनी के बगैर मुकम्मल नहीं होता. उसके बाद मैंने सोचा चलो शॉवर ले लूँ, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि हस्बैंड के घर आने से पहले पहले शॉवर ले लूँ. तो ये मेरा सूट मैंने निकाला, इस दफ़ा ही पाकिस्तान से लेके आई हूँ. ये जो आपको इसके गले पे नज़र आ रही है लेस, आजकल इस लेस का बहुत ज़्यादा फैशन है. इसको समोसा लेस बोलते हैं. और हमारे पास एक बच्ची रहती है, उसको हमने भेजा जाओ जाके ना दुकानदार से. मैंने कहा कि उनको रोटी समोसा लेस दे दें, और वो जाके उनको कहती है अंकल अंकल पकौड़ा लेस दे दें प्लीज़. तो ये बच्चे भी कभी कभी बहुत फ़नी हरकतें करते हैं. शाम में जब मेरे हस्बैंड वापस आए तो मैंने सोचा कि उनको कुछ गर्मा गर्म पकौड़े बना कर दिए जाएँ, क्योंकि उनका चाय पीने का मूड था ज़्यादा कुछ खाने का नहीं. तो रात वाले चावल मेरे पास पड़े थे, मैंने वो गर्म किए, चाय बनाई और उनको अच्छे से सर्व किया. खाना पीना तो ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, चलता ही रहता है. हमारे दिन और रात गुजरते रहते हैं. फिर शाम में हमने सोचा कि चलो बाहर निकलते हैं. तो हमने बाहर जाने के लिए जो ही गाड़ी स्टार्ट की मेरे हस्बैंड ने, तो वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई. क्यों खुश हो गए? व्हाट क्यों खुश हो गए? बैटरी डाउन हुई हुई थी. फिर उन्होंने अपने फ्रेंड को बुलाया, उसकी हेल्प से उन्होंने उसको ठीक किया और फिर उसकी बैटरी चेंज करवाई. और बस फिर हम लोग शाम में बाहर चले गए. सोफ़ा कवर्स तो मैं चेंज नहीं कर पाई, लेकिन मैंने सोचा चलो कुशंस तो मैं रखूँ. इसलिए फिर मैंने कुछ रनर्स वगैरह बिछा दिए अपने डाइनिंग टेबल पर, और जो जो इम्पोर्टेंट काम थे वो करना शुरू किए. तो ऐसा ऐसा घर भी सेट होता जाएगा इंशाल्लाह. और बस ऐसी ज़िंदगी चलती है. ये मेरे पास बहुत प्यारे लैम्प्स हैं मिट्टी के, इनके अंदर कैंडल्स चला के रखो तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट देते हैं. तो अगर कभी मुझे अपने हस्बैंड के साथ कैंडल लाइट डिनर का दिल कर रहा हो तो मैं इनको ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ. स्पेशली रोज़ रोज़ तो नहीं, कभी 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 एनिवर्सरी है या कोई ऐसा इवेंट है तो फिर उसको कुछ खास बनाने के लिए हम लोग कुछ थोड़ा स्पेशल कर लेते हैं. और बाहर जाने का बिल्कुल भी हाल नहीं है आजकल यहाँ पर. तो मुझे नहीं पता कि वहाँ पे पाकिस्तान में आप लोगों की तरफ कैसा मौसम है, लेकिन यहाँ पर हम शाम में बैठ गए और इतनी ज़्यादा हबस और इतनी ज़्यादा सफोकेशन है बाहर, यू जस्ट कांट स्टे आउट. तो लेकिन फिर भी हम नखील बीच, फनातीर बीच पर गए. पहले नखील बीच पर गए लेकिन वहाँ बिल्कुल भी इतना खास नहीं है. फनातीर बीच पर गए, वहीं पे मेरे हस्बैंड ने नमाज़ वगैरह पढ़ी और फिर वहाँ से फारिग होकर उन्होंने अपने लिए शॉर्ट्स देखनी थी और शर्ट्स देखनी थी. तो फिर हम मैथ्स चले गए, सिटी मैथ्स पर. उनको वो इतनी खास अच्छी नहीं लगी. फिर वहाँ से हम रेड टैग गए. रेड टैग ऐड पे अच्छी प्रमोशन लगी हुई है, 20 to 70% तक ऑफ है बहुत सारी चीज़ों पर. अगर आप लोग जाना चाहते हो यू शुड गो देयर. पर मेरे मतलब कि मुझे वहाँ कोई इतनी खास चीज़ नज़र नहीं आई. तो बीच साइड पर तो काफ़ी मज़ा आया, वॉक करना अच्छा लगता है. बेशक बहुत ज़्यादा गर्मी थी. और वहाँ से वापसी पे आते हुए हमने ग्रिलो से रात के लिए कुछ खाने को ले लिया. और अभी हम घर आके खाने के लिए बैठे ही थे कि कुछ गेस्ट आ गए, और फिर मैं उनके साथ मसरूफ़ हो गई, उनको चाय वगैरह सर्व की और सारा कुछ. सारी बात है, मेहमान जो होते हैं वो अल्लाह ताला की नेमत होती है, और अपने घर आई नेमत को अच्छे से वेलकम करना चाहिए. तो पहले तो एक फैमिली आई तो सब अच्छा चल रहा था. उसके बाद पता चला कि मेरे हस्बैंड के 3-4 फ्रेंड्स और आ गए.
ये मैंने यखनी बनाई थी वो है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और ये खाना और यखनी वहीं का वहीं पड़ा रहा। हम लोग अपने गेस्ट के साथ बिज़ी हो गए और बस फिर उनको सर्व किया, चाय वगैरह पिलाई और चाय के साथ चाय और वाई जो होती है वो सर्व किया। यही था मेरे आज के दिन की रूटीन। उम्मीद करती हूँ आपका दिन भी अच्छा गुजरा होगा। प्लीज़